हेयर कलर काफ़ी केमिकल से बनाए हैं एंड प्रॉब्लम इज़ दैट कोई कोई हेयर कलर्स में अमोनिया इस्तेमाल करते हैं, कोई कोई हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो हमें नहीं पता कितनी केमिकल्स उसी कलर में डाले हैं. सो वी हैव नो आइडिया हाउ मेनी केमिकल्स ऑन वन कलर. हेयर कलर कराने में सेफ तो है, पर ख़ास चीज़ याद करनी इज़ यू हैव टू चेक आप एलर्जिक है कलर से या एस्मेटिक नहीं है, यू नॉट एस्मेटिक, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, और कोई किस्म का कोई न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, मीन्स नर्वस प्रॉब्लम्स ऑफ द हेड और फिट्स एंड थिंग्स लाइक दैट. टू बी सेफ एक पैच टेस्ट लेने चाहिए पहले 24 आवर्स की, और 24 आवर्स के बाद अगर आप एलर्जिक है इस कलर से तो ऑटोमेटिकली क्या होती है, रैशेज ब्रेकआउट हो सकते हैं या रेड पैचेस हो सकते हैं. हेयर कलर कराने के बाद प्रॉब्लम्स डैंडर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि एक्सेसिवली ड्राई स्किन हो सकती, स्कैल्प हो सकती है क्लाइंट के, जो जिसने हमने पूछा ही नहीं क्लाइंट को. नंबर टू, एलोपेशिया हो सकती है. एलोपेशिया की मतलब है जब हमारी गोल सर्कल्स आती है हमारे सिर पे और वो गोल सर्कल्स की बाल उड़ जाती है. दैट मीन्स द क्लाइंट इज हाईली एलर्जिक टू दैट कलर, दैट पर्टिकुलर कलर. ये ज़रूरी नहीं जो एक ब्रांड कलर इस्तेमाल किया जो दूसरी ब्रांड कलर से ये सेम प्रॉब्लम आ सकती है. इट्स नॉट रियली नेसेसरी, पर जो नेसेसरी चीज़ है इज दैट द फॉलिंग ऑफ हेयर आफ्टर कलरिंग इज नॉट बिकॉज ऑफ कलर, क्योंकि कलर लगा के बाल यूजली 99.9 बाल नहीं गिरते हैं, क्योंकि कलर जो होती है इज ऑन द सर्फेस, बालों की सर्फेस भी होती है, मतलब बाल को काफ़ी रफ कर देती हूँ. कभी स्प्लिटेंस भी आ सकती है क्योंकि बार बार इस्तेमाल करो केमिकल. आई मीन नॉर्मल चीज़ है, एक कोई भी केमिकल आपके यहाँ पे मलते रहना रोज आपकी स्किन पे, तो स्किन तो उड़ ही जाएगा ऑटोमेटिकली. तो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग जो बार बार अगर हम कलर इस्तेमाल करो तो हमें इसकी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए. हमें लेनी चाहिए, जैसे आजकल स्पाज आ गई मार्केट में, बहुत सारे बहुत किस्म की स्पाज आ चुके हैं इस मार्केट में, यू नो अरोमा स्पाज, ये स्पाज, वो स्पाज, यू नो एक स्पाज करनी चाहिए हमें. कि अगर आपके पास टाइम नहीं स्पाज करने के लिए या सैलून जाने के लिए, तो घर में बैठ के कम से कम मिनिमम एक ऑयल मसाज तो करनी चाहिए वंस इन अ वीक, ताकि आपके बाल को थोड़ी हेल्थी होनी चाहिए.